नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे कुछ अंडर आर्म्स हैक्स जिससे आप अपने बॉडी ऑडर को यानी कि अंडर आर्म्स की बदबू को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो भी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया आपको आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आज मैं सभी चीज़ें आपको DIY बताने वाली हूँ, तो आप कैसे इजीली अपने अंडर आर्म्स की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं और कोई भी आपकी अंडर आर्म्स की बदबू से बेहोश नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ बॉडी ऑडर की, तो बॉडी ऑडर होती क्यों है, रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि देखिए, अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आपको अपने अंडर आर्म्स को शेव कर लेना चाहिए। अगर आपको वैक्स पसंद है तो आप वैक्स भी करवा सकते हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पार्लर में जाके वैक्स वगैरह करवा सकें तो आप घर पर ही एलोवेरा जेल लगा कर उसे शेव कर सकते हैं। और अपने अंडर आर्म्स को मॉइस्चराइज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर आप एक बॉडी लोशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस चीज़ से भी आप अपने हेयर को रिमूव ईजिली कर सकते हैं और जिससे आपकी अंडर आर्म्स की स्किन मॉइस्ट रहेगी। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बॉडी ऑडर की, तो कुछ आज मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आप बॉडी ऑडर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने अंडर आर्म्स को नीट एंड क्लीन रखना। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप शेव कर लीजिए। देन उसके बाद मैं आपको जो आज यहाँ पर कुछ DIY टिप्स बताने जा रही हूँ, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ स्क्रबिंग के लिए चावल का आटा, दही और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से हमारी स्किन भी मॉइस्ट रहेगी, और चावल का आटा बहुत अच्छा एक स्क्रबिंग का काम करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग का काम करता है, प्लस स्किन को ब्राइटन भी बनाता है। तो आप इस स्टेप को वीक में 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ स्क्रब के लिए, ले रही हूँ मैं यहाँ पर चावल का आटा, ये देखिए, और थोड़ी सी इसमें मैं मिलाऊँगी दही। और स्क्रब के साथ साथ हमें मॉइस्चराइज भी करना है अपनी स्किन को, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए, मैं सबसे पहले अपनी अंडर आर्म्स पे ये स्क्रब करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लिया है। अब आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, या फिर आप एक गीले टॉवल की हेल्प से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। और नेक्स्ट मुझे जो अंडर आर्म्स के लिए पैक बनाना है, उसके लिए मुझे चाहिए मुल्तानी मिट्टी। 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, और अब मैं इसमें दही डालूँगी और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ताकि आपकी अंडर आर्म्स की स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गुलाब जल। अगर आपको ये और ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें दही और ऐड कर लीजिए, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे अपनी अंडर आर्म्स पे अप्लाई करूँगी। और इसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाए तो आप अपने अंडर आर्म्स को वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए, मेरा पैक सूख चुका है अच्छे से। इसके बाद मैं गीले टॉवल की हेल्प से इसे साफ़ कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं एक और स्टेप करने जा रही हूँ, ये है लेमन मेरे पास, और मैं इस लेमन को अपने अंडर आर्म्स पर रब करूँगी 2 से 3 मिनट तक। लेमन भी काफ़ी हेल्प करता है आपके बॉडी ऑडर को दूर करने में, बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी स्किन टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेमन से इचिंग हो रही है या आपको सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको लगता है कि लेमन आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप लेमन में थोड़ा सा पानी ऐड कर भी इसे अपनी अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं।
नेक्स्ट, मैं अपने अंडर आर्म्स को फ्रेश रखने के लिए यूज़ करती हूँ गुलाब जल का। जी हाँ, ये देखिए, ये गुलाब जल आपको किसी भी स्टोर पर या इजली शॉप पर मिल जाएगा। और इस गुलाब जल को स्प्रे करने के बाद आपकी अंडर आर्म्स भी फ्रेश रहेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये देखिए, इसमें आपको एक खुशबू भी आएगी बहुत ही अच्छी, और आपको बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और काफ़ी देर तक ये आपको फ्रेश फील कराएगा और आपको पसीने की दुर्गंध से भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि आपको ये बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम होती क्यों है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस यहाँ पर मैं बात करती हूँ पैरों की, और पैरों में भी आप बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ ना पहने। हमेशा कोशिश कीजिए कि नेट वाले शूज़ पहने, जिससे आपके पैरों में जो है हवा क्रॉस होए। अगर आपकी सबसे पहले अगर अंडर आर्म्स क्लीन नहीं है तो उसे क्लीन कीजिए, और क्योंकि अगर हम अपने अंडर आर्म्स को क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पर बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे वहाँ पर बैक्टीरिया पनपते हैं और बैक्टीरिया की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। अगर आप नहाने के पानी में पुदीने की पत्तियों को उबालकर उसका पानी मिक्स कर नहाते हैं ना, तो आपकी बॉडी से पसीने की दुर्गंध नहीं आती है और आप फ्रेश फील करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर आप नहाने के पानी में विनेगर या कपूर मिलाकर नहाते हैं तो भी आपके पसीने की दुर्गंध जो होती है वो दूर हो जाती है, आपको पसीने से स्मेल नहीं आती है। टिप नंबर 3, नहाने के पानी में अगर आप थोड़ा सा 2 चुटकी बेकिंग पाउडर मिक्स करके नहाते हैं ना, तो ये बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि पसीने की स्मेल को दूर करता है, पसीना नहीं आने देता है, काफ़ी देर तक आपको फ्रेश फील कराता है। तो ये उपाय भी ज़रूर कीजिए। और जैसा कि आप भी सभी जानते हैं, इसीलिए टेलकम पाउडर में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप बाहर हैं तो पसीने की दुर्गंध से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र है तो आप हैंड सैनिटाइज़र को 2 से 3 ड्रॉप अपने फिंगर्स पर लेकर अपने बगल में रगड़ें, यानी कि रब करें हल्के हाथों से। और इससे जो हैंड सैनिटाइज़र होता है बहुत हेल्पफुल रहता है, और ये दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है, और इससे आप काफ़ी देर तक पसीने की दुर्गंध से बचे रह सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे यहाँ पर टिप है खान पान से रिलेटेड, यानी कि अगर आपका खाना पीना भी सही नहीं है तब भी आपको पसीने की दुर्गंध हो सकती है। तो चलिए मैं बता दूँ कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको रेड मीट जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको पसीने की दुर्गंध की समस्या होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप सैलेड वगैरह भरपूर मात्रा में लें, जिस तरह की खीरा, ककड़ी, टमाटर, इस तरह की चीज़ें खाइए, और इससे आप अपने पसीने की दुर्गंध से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टिप है वो है पानी। पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, और समर्स में तो खास तौर से हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, वरना हमें हो सकती है बॉडी ऑडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जितना आप पानी अधिक मात्रा में पिएंगे ना, उतना ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे और आपको बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है योगा या व्यायाम। आपको डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से यानी कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं, आपको पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना ज़्यादा आने की वजह से आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं, जिससे आपकी पसीने की दुर्गंध से आपको छुटकारा मिल जाता है, और यानी कि बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम आपको कम से कम होती है। नेक्स्ट जो मेरी जो टिप है वो है शेप। आपको अपने अंडर आर्म्स को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ मत होने दें अंडर आर्म्स की। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पसीने की बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तो आपको अपने अंडर आर्म्स को टाइम टू टाइम शेव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं वो बदबू को सोख लेते हैं, और जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे आपको स्किन एलर्जी या रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए अपनी अंडर आर्म्स को हमेशा शेव कर लीजिए, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप वैक्स करवा सकते हैं तो वैक्स करवा लीजिए। और नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है लेमन। लेमन हमेशा आपको अपनी अंडर आर्म्स पे रब करना चाहिए, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि नींबू में आप 2 से 3 बूंद पानी की मिलाकर ऐड कर सकते हैं, और उसे अपने अंडर आर्म्स की स्किन पर रब कीजिए। इससे आपकी बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि लेमन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें फ्रेश फील कराते हैं, और आपकी अंडर आर्म्स के बैक्टीरिया को भी किल करेगा। तो इसीलिए अंडर आर्म्स में आप हमेशा लेमन का जो हाफ स्लाइस होता है वो रब कर सकते हैं, और इस स्टेप को आप नहाते टाइम भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ये है कि आप अपने अंडर आर्म्स पर जल मिला हुआ वोदका, यानी कि जल मिश्रित वोदका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, स्प्रे कर सकती हैं अपने अंडर आर्म्स पर बॉडी ऑडर को दूर रखने के लिए। और ये एक बहुत ही बहुचर्चित नुस्खा है, मैंने भी इसके नुस्खे के बारे में काफ़ी अभी टाइम पहले ही सुना है, और ये नुस्खा जॉन रिवर्स द्वारा, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अभिनेत्री है, उनके द्वारा अपनाया गया था। तो आप इसे भी ट्राई ज़रूर कर सकती हैं। और नेक्स्ट जो टिप है वो है टी ट्री ऑयल। अगर आपको ऐसा लगता है आप कुछ भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहती हैं वहाँ पर, तो आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद टी ट्री ऑयल के अपने अंडर आर्म्स पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ये है कि जब भी आप कभी बाहर से आती हैं समर्स में, तो आपके कपड़ों पर जो पसीना लगा होता है उसमें दुर्गंध होती है, बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं वो कपड़े, बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं। तो अपने कपड़ों को जब भी आप दोबारा उन ड्रेस को डालें तो हमेशा धोकर अच्छे से सुखाकर धूप में उसे फिर पहने, और अच्छे से वॉश करना ना भूलें अपने कपड़ों को, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि कॉटन के कपड़े ही पहने, सिल्क के कपड़े ना पहने, क्योंकि गर्मियों में सिल्क के कपड़ों में आपकी बॉडी से हवा क्रॉसिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और नेक्स्ट मेरा जो टिप है वो है फिटकरी का। जी हाँ, आप अपने पानी में फिटकरी मिलाकर भी नहा सकते हैं, बट फिटकरी आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलानी है पानी में। बस एक चुटकी या दो चुटकी पाउडर मिला सकते हैं आप इसका, या सिर्फ एक टुकड़ा जो होता है छोटा सा वो मिक्स करके आप नहा सकते हैं गर्मियों में, जिससे आपकी अपनी बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम भी दूर होगी, आप फ्रेश फील करेंगे और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपने फिटकरी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, क्योंकि इससे आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है। तो ये थे मेरे कुछ यूज़फुल टिप्स और कुछ DIYs जिससे आप अपनी बॉडी ऑडर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जो भी मैंने आपको अंडरआर्म पैक बताया है और स्क्रब बताया है, इसे आप वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं, या आप डेली अगर करना चाहते हैं जैसा आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सही लगता है आप तब भी कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ यूज़फुल टिप्स, आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। और गाइज प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।